में जो जितने भी सारे लेडीज आ रही हो उनका ट्रेनिंग और उनका नॉलेज आपको हमेशा सुनने के लिए आपको ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, आज एक ऐसी लड़की से हम मिलने वाले हैं जो बहुत ही छोटी उम्र से डीएक्सएन खा रही है, मतलब उसका जन्म ही डीएक्सएन बेबी, हम तो उसको प्यार से डीएक्सएन बेबी ही बुलाते हैं। और उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से डीएक्सएन तो खाया ही है, लेकिन आपको एक शानदार बात बताना चाहती हूँ कि उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी जब उन्होंने डॉक्टर लिम के सामने पूना में जब रिकग्निशन नाइट हुआ था, तो पूना में आकर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन लिया था। और मैं बताने में मुझे खुशी हो ये हो रही है कि वो प्रेजेंटेशन मैंने खुद सुना है। और मेरा जो बेटा है ऋषि सालुंखे, वो छोटी उम्र को जब 5 या 6 साल का था तब मैंने उसको सुनाया था कि देखो एक छोटी लड़की प्रेजेंटेशन दे रही है, तो उससे वो मोटिवेट हुआ था। आज वो भी 11 साल का है और वो भी बहुत अच्छा बात करने लगा है। लेकिन मुझे इससे इनका फ्यूचर दिख रहा था कि उसी टाइम उन्होंने जब कोकोजी का प्रेजेंटेशन लिया था तब हमने, मतलब ये तब मैं भी नई थी डीएक्सएन में, लेकिन मुझे इतना कुछ नहीं आ रहा था कि इतने ऑडियंस के सामने कैसे बोलना है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इस लड़की ने करके दिखाया था। और बोलते हैं ना कि उसी टाइम हमें पता चला था कि ये लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ करेगी। और इसका जो अभी जो ये फईला जो है, फईला सारंग, इनका जन्म एक डॉक्टर फैमिली में हुआ है। इनके पिताजी भी डॉक्टर हैं और उनकी माँ भी डॉक्टर है, और ये मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। और उसी के साथ इन्होंने, मतलब पढ़ाई के साथ साथ डीएक्सएन को ये कर रही है। हम उनका इंट्रो थोड़ा सुनेंगे। फईला फिरोज सारंग इज अ करंटली परसुइंग मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, शून्य प्रैक्टिशनर एंड अ गैनोथेरेपिस्ट बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। हर मिशन इन दिस लाइफ टाइम इज टू ब्रिंग फोकस ऑन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सेल्फ लव बाय टीचिंग पीपल हाउ टू ईट एंड लिव विथ अवेयरनेस एंड कंपैशन। शी स्ट्रांगली बिलीव्स इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड सिंप्लिसिटी। शी इज अ पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग चिल्ड्रंस इम्यून पावर थ्रू न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यूथ विथ डीएक्सएन। टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स प्रमोटिंग गुड हेल्थ वेलनेस रिवोल्यूशन एंड स्प्रेडिंग डीएक्सएन वेलनेस रिवोल्यूशन इन हर करंट गोल। मिस फईला जो है वो एक शून्य प्रैक्टिशनर भी है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब इनको हमने पूना में मीटिंग के लिए बुलाया था तो सच में इतनी छोटी सी, मतलब इनकी उम्र अभी रनिंग इनको 20 चालू है, और 20 साल की उम्र में इन्होंने इतना बढ़िया सा प्रेजेंटेशन लिया था, और इनके सामने लगभग 150 महिलाएं बैठी थी। और ऐसे कोरोना के कंडीशंस में मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि वो मुंबई से पूना आकर उन्होंने एक अच्छी मीटिंग हम सबको दी। और इनका जो नॉलेज है, उम्र में भले ही वो ये छोटी हो, लेकिन हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और आपको ये नतीजा आज देखने को मिल रहा है क्योंकि उन्होंने 11 साल की उम्र में कोकोजी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया था, और आज 19 साल के उम्र में उनको इमसाम की तरफ से, जिसके इमसाम के ब्रांड एम्बेसिडर है हमारे डॉक्टर दातो लिम सियोजे, और उसी के यूथ एम्बेसिडर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी फहीला आज इमसाम की यूथ एम्बेसिडर है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये मुंबई की बेटी और महाराष्ट्र की जो शान है वो पूरे पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कर रही है। और हमें पता है इनको देख के आज बहुत सारी यूथ आज ये सपना देख सकती है कि वो आगे जाकर क्राउन एम्बेसिडर बनेंगी। और मुझे पूरी तरह से पता है कि महाराष्ट्र में ये यूथ एम्बेसिडर आएगा और वो जल्द ही क्राउन एम्बेसिडर बन के दिखाएगा। और वैसे ही हमारी फईला जी जो पढ़ाई करते समय ही अपना डीएक्सएन का प्रैक्टिस भी कर रही है, और आज ही मुझे पता चला कि कल उनका एग्जाम्स भी है,
फिर भी वो आज आकर मीटिंग ले रही है। बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बार मैंने अपने मीटिंग में भी बताया था कि डीएक्सएन जो है वो किसी भी एज में, ये नहीं है कि आपको इतनी एज चाहिए तभी आप डीएक्सएन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला प्रेजेंटेशन लिया था और आज ये 20 साल की है और आज ये डीएक्सएन की इंटरनेशनल स्पीकर बन चुकी है, ट्रेनर बन चुकी है। इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स पूरे दुनिया में, जैसे कि नाइजेरिया हो, यूरोप हो, बहुत सारी जगह पे इन्होंने ट्रेनिंग भी दिए हैं और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मकाम उन्होंने पाया है। और मैं इसी के साथ इनको, मतलब हमारी मुंबई की बेटी और महाराष्ट्र की शान और डीएक्सएन की बेबी फैला सारंग को वेलकम करती हूँ। वेलकम फैला जी। थैंक यू गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने। एंड उसी के साथ अगेन गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फैमिली, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन आरवीसी फैमिली, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन वर्ल्ड। एंड आप सबको एक बहुत बड़ा वेलकम एंड थैंक यू सो मच अगेन डीएक्सएन आरवीसी फॉर कॉलिंग मी टुडे। एंड थैंक यू सो मच आरती मैम, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आज का हम सेशन शुरू करते हैं। काफी एक्साइटेड थी मैं कि मुझे ये ज्वाइन करना है, मुझे ये प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा एक बहुत ही खूबसूरत महीना चल रहा है हमारा, जिसमें हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है और आगे आने वाले मंथ में हम अप्रैल मई के मंथ में हम मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये जो मंथ है अप्रैल मई, मार्च अप्रैल में, ये अपने ही खूबसूरत सा एक ट्रियो है जिसमें हम वुमेन को सेलिब्रेट करते हैं, वुमेन रोल्स को सेलिब्रेट करते हैं, और शायद ये बहुत प्यारी सी बात है। तो अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डीएक्सएन फैमिली, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। एंड शायद आज हम कुछ नई चीजें सीख के जाएंगे, कुछ नए ओपिनियंस लेके जाएंगे और ऐसे कुछ चीजें सीखेंगे जो हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स के बारे में है, जो शायद हमने पहले कभी नहीं सोचा होगा या सुना होगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज का जो ये टॉपिक है ये है सुपर फूड्स फॉर सुपर वुमेन। यहाँ पर बेसिकली हम कुछ मिथ्स जो है, यानी कि कुछ गलत फहमी होती है खाने के बारे में, या खाना कैसे खाना चाहिए, खाने में हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स क्या है, उन सब चीजों के बारे में थोड़े से मिथ्स ब्रेक करेंगे और शायद कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो आज का टॉपिक इज नॉट ओनली फॉर वुमेन बट अगेन फॉर चिल्ड्रेन ऑल्सो। जो यंग लेडीज है, जो यंग गर्ल्स है फ्रॉम द एज ऑफ 11, 12, 13, जो भी मुझे यहाँ पर आज देख रही है, आपके लिए भी ये टॉपिक है, मेरे लिए भी है, हमारी मदर्स के लिए भी है, हर एक लेडी के लिए, हर एक वुमेन के लिए। सो आज आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बैठिए, लेट्स हैव अ डिस्कशन कि हमारी ये जो सुपर फूड्स होते हैं जो मार्केट में आ जाते हैं कह के कि आपको इस चीज में हेल्प करेगा, उस चीज में हेल्प करेगा, तो कहाँ तक ये हेल्पफुल होता है और कैसे आप इन सुपर फूड्स को अपने किचन में लेके आ सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच, दिस विल बी आर टॉपिक। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज अगेन मैंने टॉपिक को तीन इसमें डिवाइड किया है जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो हम थोड़े से फैक्ट्स जानेंगे हमारे बॉडी के बारे में, हमारी खूबसूरत सी मशीन के बारे में। देन अगेन एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि यू नो गैनोडर्मा फॉर वुमेन, व्हाई फॉर वुमेन, और वुमेन और गैनोडर्मा के बीच में क्या रिलेशंस है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि कैसे आप डीएक्सएन प्रोडक्ट्स विच आर अगेन बेस्ड ऑन सुपर फूड्स, आई गेस सुपर फूड्स की जगह पर हम उनको सुपर फंक्शनल फूड्स भी बोल सकते हैं, ये जो हमारे सुपर फूड्स, सुपर फंक्शनल फूड्स है, उसको हम हमारी जिंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं, और अगर हम इसको ले आते हैं तो हमें उससे क्या लाभ यानी क्या फायदे होंगे। तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली हम ये सारे तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके लिंक को फॉरवर्ड करिए अपनी फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर्स को, जिनको हो सके उनको, ताकि आज का ये सेशन हम एंजॉय करें और इसके बारे में कुछ और जाने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छा दिया है, जस्ट सेइंग कि मेरा नाम फहीला सारंग है, मुंबई से हूँ, एंड आई एम अ डीएक्सएनाइट एट हार्ट, और साथ ही साथ क्योंकि मैं न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रही हूँ, सो आई कैन गिव यू सम इनसाइट्स कि हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा हमारी लाइफ, हमारे न्यूट्रिशन, जो पोषण तत्व जिसको बोलते हैं, उस चीज से कितने भरपूर है, और साथ ही साथ ये कैसे एक लेडी को, एक वुमेन को किचन में कितना हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जहां हम ये बात कर रहे हैं अबाउट वुमेन, अबाउट लेडीज,
तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर आप किसी भी लेडी को देखेंगे तो उनके सर पर क्या होता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मोबाइल कंपनीज अनलिमिटेड डेटा देती है बट वो ये चीज भूल जाती है कि वुमेन के पास ऑलरेडी अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. और अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ होता क्या है कि उनको बहुत लिमिटेड टाइम होता है, टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, और साथ ही साथ वो ये सब करते करते अपनी केयर यानी जो उनकी खुद की केयर है वो बहुत ज्यादा कम होती जाती है. तो जैसी एक लेडी की एज बढ़ती है, जैसी एक छोटी सी बच्ची की एज बढ़ती है, वहां पर उसके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, टाइम की कमी हो जाती है, कहते सिर्फ कुछ साल बाकी है, कुछ साल बाकी है, और साथ ही साथ जो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए वो टाइम पीरियड भी कम हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हम भले एक दिन मनाते हैं या हम एक महीना मनाते हैं या हम एक वीक जिसको हम वुमेन्स डे या वुमेन्स वीक करके सेलिब्रेट करते हैं, पर मेरा ये कहना है कि हम लेडीज, जितनी भी लेडीज, जितनी भी सिस्टर्स, जितनी भी मदर्स आज मुझे यहाँ पर सुन रही है, उन सबको एक यही कहना चाहूंगी कि हम एक दिन या एक हफ्ता नहीं डिजर्व करते, हम पूरी एक जिंदगी डिजर्व करते हैं फॉर रिकॉग्निशन. हर छोटे स्टेज पे आपको जो भी लेडीज आपकी लाइफ में, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी बॉस हो सकती है या आपके लिए अंडर एम्प्लॉय हो सकती है, जो आपके साथ काम करे, आपको उनको रिकॉग्निशन देना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो कुछ भी वो आपके लाइफ में कर रही है. सो अगेन थैंक यू ऑल द लेडीज फॉर बीइंग सो वंडरफुल दैट यू आर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड इसी के साथ जब लेडीज की बात आ जाती है तो अगर आप आपके कोई भी फ्रेंड से बात करेंगे या जो भी मदर्स मुझे यहाँ पर सुन रही है, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, यार मेरा हेयर लॉस बहुत हो रहा है, या तो मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही है. और अगर वो लेडीज कुछ 40-50 की एज के बीच में हो तो हम उनसे क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मे बी आप मेनोपॉज रीच कर रहे हो, मे बी आप मिडिल एज क्राइसिस से गुजर रहे हो, या ऐसी कुछ बातें हम उनसे कह देते हैं. पर वहां पर शायद अगर हम बस वो लेडी की प्रॉब्लम को थोड़ा डीपली जाके समझे तो एक चीज बहुत कॉमन होती है कि वो लेडी कहीं ना कहीं सेल्फ केयर जो वर्ड होता है, सेल्फ केयर यानी खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, यानी वो खुद इतनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर दबी हुई है कि वो शायद खुद अपने बारे में नहीं सोच पाती है और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है. तो ये एक जो क्वेरी है, ये एक जो प्रॉब्लम है, ये हम बहुत सारी लेडीज को फेस करते हुए देख पाते हैं इन प्रैक्टिस. और उसी चीज से इंस्पायर होकर आज का हमारा ये टॉपिक है कि कैसे हमारे डीएक्सएन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर गौर किया जाए तो वो लेडीज की हेल्थ यानी लेडीज के सेल्फ केयर और लेडीज की हेल्थ रिजीम में इतने परफेक्टली फिट होते हैं और वो उनको बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पर मैं एक छोटा सा फैक्ट शेयर करना चाहूंगी कि जो हमने सिम्टम्स अभी देखा, जो हमारे हेयर लॉस, स्किन, वेट गेन, ये सारी चीजों से रिलेटेड, ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं एक यंग गर्ल जो कि 15 साल 14 साल की होती है वो भी फेस करती है. तो एक रिसर्च स्टडी किया गया था, उसमें बताया गया था कि 53% सिम्टम्स जो एक 50 ईयर ओल्ड की लेडी फेस करती है वो आजकल हमारी यंग गर्ल्स भी फेस कर रही है. तो आप मुझे बताइए क्या ये चीज अच्छी बात है, क्या ये चीज एक खुशी की बात है, यानी कि और क्या ये एक अलार्मिंग न्यूज है जिसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए और ऐसा ना हो, ये चीज पर हमें ज्यादा गौर करना चाहिए. तो अगेन अगर आप एक मदर हो और आपके घर में एक बेटी है तो आप उस बेटी को अपने पास अभी लेके बैठिए ताकि वो ये चीजें सुने. और अगर वो ये चीजें जो हम आगे शेयर करेंगे वो एक यंग एज से शुरू करती है, यानी अपना खुद का ख्याल रखना उसकी प्रायोरिटी यानी उसका एक मेन एम बन जाता है, तो आगे जाके ये सब प्रॉब्लम्स उसे फेस नहीं करने पड़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सुनना है. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप बाद में हमारे आरवीसी क्रिएशन चैनल पर पूछ सकते हैं कि मुझे ये इश्यूज हैं, हम ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो दिस इज अगेन जो हमें क्वेश्चंस है, आप बिल्कुल हमारे साथ यू कैन गेट इन टच विद अस एंड यू कैन शेयर अस अबाउट इट. नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कैसे हम हमारी बॉडी को जानना सीख सकते हैं. बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे पास दो घर है, एक हमारी बॉडी और हमारा मदर अर्थ यानी हमारी धरती माँ. यहाँ पर अगर हमें कोई चीज की शुरुआत करनी है तो वो ये है कि सबसे पहले हम हमारी बॉडी का ध्यान रखें और फिर धीरे धीरे हम हमारे धरती माँ के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये दो घर है जो हमारे पास ऑन लाइफ इन लाइफ बहुत ज्यादा परमानेंट होते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर आप देखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत चीज यहाँ पर ये है, हम यू कैन प्ले द वीडियो, कि हमें रोज सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड मानना चाहिए, यानी हमें सुबह उठकर एक
अच्छी बात ये रियलाइज करनी चाहिए कि हमारी जो ये खूबसूरत सी बॉडी है, मैम यू कैन प्ले द वीडियो, हमारी ये जो खूबसूरत सी बॉडी है जो कि हमें गिफ्ट की गई है, ये चीज़ इतनी खूबसूरत है और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो जैसे कि आप ये प्ले होते हुए वीडियो में देख सकते हो कि हमारी हार्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं और हमारी एक ब्यूटीफुल सी गट लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्टमक। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से इस चीज़ों को डिनोट किया गया है और ये इसीलिए है क्योंकि हमारा हार्ट हर टाइम हमारे लिए पंप करता रहता है, हमारा जो गट है वो हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिसके बारे में केयर नहीं करते, जो टाइम पर खाना बराबर नहीं खाते, जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हवा क्लियर नहीं है, सांस बराबर नहीं ले पा रहे, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो सब चीजों पर अगर गौर किया जाए तो बॉडी कभी ना कभी साथ छोड़ देना चाहिए, पर हमारी जो खूबसूरत सी बॉडी होती है वो ऐसा नहीं करती, वो एंड मोमेंट तक हमारे लिए लड़ते रहती है, वो एंड मोमेंट तक हमारे लिए स्टैंड लेते रहती है। तो अगर आपको बॉडी में कोई भी इशू होता है तो जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पर लिखा था दैट यू शुड लिसन, तो वैसे ही हमें हमारी बॉडी की बातों को या हमारी बॉडी की लैंग्वेज को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को जब आप आपकी लाइफ में लाते हो, सो दैट इज अगेन द फर्स्ट थिंग कि आपकी बॉडी को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, पहले आप वो रिकॉग्नाइज करें, आप वो समझें और उसके बाद हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना स्टार्ट करें। तो अगेन मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी जो आपको बॉडी दी गई है जैसी भी हो, भले आपको लगता हो कि आप थोड़े मोटे हो, आप थोड़े पतले हो, आप थोड़े छोटे हो, आपको ज्यादा लंबे हो, आपकी नाक ऐसी है, आपका कलर ऐसा क्यों है, पर वहां पर आप रोज सुबह उठ के बस अपनी प्यारी सी बॉडी के लिए थैंक यू करें, क्योंकि जो चीज आपको मिली है शायद बहुत सारे लोग उस चीज के लिए तरसते हैं। तो वट एवर यू हैव आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहे, आप उस चीज का शुक्रिया अदा करें और लाइफ में आगे बढ़े, शायद आपकी लाइफ बदल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों से लड़ते हैं और बहुत सारी चीजों से फेस करते हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक सिंपल से हेडेक के लिए डॉक्टर ने बहुत सारे नाम लेके रखा है कि कैसे वो हेडेक आपको खाना नहीं खाने की वजह से हो रहा होगा, कैसे वो हेडेक आप प्रॉपर से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे उस चीज की वजह से हो रहा होगा, कैसे वो हेडेक एक छोटा सा कैंसर का सेल हो सकता है, कैसे वो हेडेक आपको आप जो चीजें खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को कैसे परेशान कर रही। तो ऐसे बहुत सारे अन्य अन्य रीजंस होते हैं, एक हेडेक हो सकता है पर उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा जो स्टमक है, जो मैं जिसको मैंने तितली की तरह वहां पर डेमोन्स्ट्रेट किया था, कैसे हमारे ये स्टमक, अगेन इसमें इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं जस्ट सो दैट आपकी बॉडी में आपको चीजें डाइजेस्ट कर सके। आपका लिवर है, आपका इंटेस्टाइन है, आपका स्टमक है और ये सारी चीजें बहुत सारे इश्यूज के थ्रू गुजरती है जब हम हमारे बॉडी को अच्छा खाना यानी अच्छा पोषण नहीं दे पाते। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, और भी है जिससे जो अलग अलग नाम बोल के डॉक्टर्स आपको अवेयर करते या इतला करते कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहा है आपकी बॉडी में। ये एक प्रॉब्लम है जो लेडीज यूजली फेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो चेस्ट होता है यानी हमारा जो लंग होता है जो अभी अटैक अटैक के थ्रू गुजर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक हमारे दुनिया में एक ऐसी छोटी सी चीज आ गई है जिसको हम देख भी नहीं पाते और वो हमारे किस चीज पर अटैक करती है, हमारे लंग सिस्टम में। अगेन यहाँ पर अगर बहुत सारे नाम होते हैं जिसकी वजह से हमें इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर इसी के साथ साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि यंग गर्ल्स को भी आप बिठाएं, तो यहाँ पर यंग गर्ल्स ये देख सकती है कि कैसे उनके अगर पीरियड साइकिल्स मिस होते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है, कैसे अगर उनका वेट घटता है या बढ़ जाता है तो ये भी एक इश्यू की बात है और इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर आपके स्किन पे कुछ इश्यूज है, एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, पिगमेंटेशन है, हेयर ग्रोथ ज्यादा बढ़ रही है फेस पे, तो ये सारी चीजें भी एक अलार्म है, यानी आपकी बॉडी आपसे बात करना चाहती है कि कुछ तो इश्यू है, या तो आप रात में सो नहीं रहे हो, या तो आप बराबर से धूप नहीं ले पा रहे हो, या तो आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, या तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो ये बहुत सारे इश्यूज है जिससे बॉडी हमको अलार्म करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज का खाना किस तरह है, हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हम वो खाना खाते हैं जो प्लांट से कम फैक्ट्री प्लांट्स में ज्यादा बन के आता है। तो जरूरी यही है कि हम ज्यादातर नेचर से दूर होए जा रहे हैं जितना हो सके उतना। नेक्स्ट स्लाइड। हमारा खाना होना कैसा चाहिए और हमारा खाना है कैसा। हमारा खाना शुड बी मोर ऑफ ग्रीन्स, जितना हो सके हरी सब्जियां होनी चाहिए, फल होने चाहिए, फूल होने चाहिए, अलग अलग कलर के होने चाहिए। ये
एक थियोरी है साइंस में जो कहता है कि आप जिस शेप का जो फ्रूट होता है उस चीज के लिए अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो वो आपके वैसे ही बॉडी पार्ट को हेल्प करेगा। तो अगर आंखों का प्रॉब्लम है तो आपको कैरेट खाना चाहिए, लंग्स का इशू तो आपको टोमेटो खाना चाहिए। हम आगे भी ऐसे कुछ रेफरेंसेस बताएंगे जो हमारे डीएक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है। किडनीज में इशू है तो आपको ओकरा खाना चाहिए यानी भिंडी खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और हमारा खाना ऐसे दिखना चाहिए पर वो दिखता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यही हमारा एक खूबसूरत सर्कल ऑफ लाइफ जहाँ पर बात बॉडी आपसे बात करने की कोशिश करती है और आप वो चाहती है कि आप सुने बॉडी क्या कहना चाहती है। पर हम कहीं ना कहीं इस रेस में जो हमारी जिंदगी है उस चीज में हम बॉडी जो हमारा सबसे पहला घर है उस चीज पर ध्यान देना भूल जाते हैं। सो टुडे आई वेलकम यू ऑल कि आप आए और हमारे साथ देखिए कि आप डीएक्सएम के साथ अपना हेल्थ कैसे बना सकते हैं, डीएक्सएम के साथ आप हाथ से हाथ मिलाकर अपनी हेल्थ स्टेटस को कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड इसी के साथ विल गो टू आर नेक्स्ट स्लाइड जहां पर ये है कि प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सारी है, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम सुनने के लिए सबके पास टाइम नहीं है क्योंकि इट जस्ट बिकम्स रेपिटेटिव, बट आज हम एक्चुअल बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। यहाँ पर एक बहुत फेमस कोट है, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो चीज खाते हो आप वैसे बन जाते हो, बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपकी बॉडी यानी आपकी जो ब्यूटीफुल फैक्ट्री है ये जो चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है वही चीज वो बनती है। हर सेकेंड सेल हर 120 दिन के बाद हमारे जो कोशी होती है खून की वो मर जाती है और नए कोशी बनती है। इसका मतलब आप जो चीज कंज्यूम करते हो 120 दिनों में वही चीज आपकी आगे जाके बॉडी बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी जैसे कि टॉपिक है और जैसे हमने देखा कि हमारी बॉडी में इतने इतने ऑर्गन्स हैं ऐसे ऐसे हमारे लिए काम करती है, तो फिर खाना क्या कंज्यूम करना चाहिए। और कुछ चीजें 6-6 महीने के बाद मार्केट में ऐसी नई नई आती है जिसको हमारे टीवी एड्स बताते हैं कि वो सुपर फूड्स है। तो इन खानों पर कितना भरोसा करना चाहिए, इन चीजों पर इन पोषण तत्वों पर कितना भरोसा करना चाहिए और हम इस चीज को कैसे कंज्यूम करें। तो यहाँ पर एक बड़ा सा जो मिथ होता है वो ये है कि कोई भी चीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है उसको हम इंडियंस या हम टीवी पर देख के बहुत जल्दी उस चीज पे यकीन करते हैं। पर यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप वो चीज को पहले ट्राई करें यानी अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करें, खाकर देखें कि आपको वो चीज कितनी सूट कर रही है, उसके बाद ही आप उस पर बिलीव करें। अगेन जिस जब बात सुपर फूड्स की आती है यानी हमारे ऐसे कुछ खाने की तरफ ऐसे कुछ फल ऐसे कुछ फूल ऐसे कुछ पत्तों की तरफ बात आती है जिसको मार्केट में एडवर्टाइज किया जाता है कि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे है आपके हेल्थ के लिए वैसे, तो यहाँ पर सुपर फूड्स एक टर्म है जो बहुत ज्यादा कभी कभी मिस यूज किया जाता है। सुपर फूड करके कोई ऐसा प्रॉपर फूड नहीं है, इनफैक्ट उसको हम एक अलग टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं सुपर फंक्शनल फूड। यानी कि वो खाना तो है लेकिन वो जब आपकी बॉडी में जाकर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आगे जाके उसको अपने बॉडी में फंक्शन करना बहुत जरूरी है। हमारे सारे जितने डीएक्सएम प्रोडक्ट्स है वो एक्चुअली सुपर फूड्स नहीं है, इनफैक्ट वो सुपर फंक्शनल फूड है क्योंकि वो सिर्फ आपकी बॉडी में जाते नहीं है पर वो आपकी बॉडी में अंदर जाके फंक्शन करते हैं और कुछ अलग तरीके का फंक्शन नहीं करते, वो आपकी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए मैंने उनको टर्म दिया है एज सुपर फंक्शनल फूड्स क्योंकि वो सिर्फ बॉडी में आपके चले नहीं जाते बट साथ ही साथ आपकी बॉडी को एक फंक्शन करने में एक सुपर सुप्रीम तरीके से फंक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे कुछ हर्ब्स हैं जो हमारी आयुर्वेदा में जो हमारे होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे यूनानी बहुत सारे स्कूल्स ऑफ मेडिसिन हैं वहाँ पर इन हर्ब्स को यानी इन जड़ी बूटियों को हीरो माना गया है और वो सारे के सारे हमारे डीएक्सएम प्रोडक्ट्स में एम्बेडेड हैं। तो ये चीज कुछ आपके नेचर से अलग नहीं है, ये चीज सिर्फ सुपर फूड्स नहीं है, ये इनफैक्ट हमारी बॉडी के लिए सुपर फंक्शनल फूड्स है। तो अभी बहुत सारे फ्रूट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं तो अब इसको कैसे कंज्यूम करना चाहिए, कब कब कंज्यूम करना चाहिए, मुझे क्या कंज्यूम करना चाहिए, एक लेडी को क्या कंज्यूम करना चाहिए। जब हम उनको सुपर वुमेन कहते हैं तो हम वो इस चीज से कहते हैं क्योंकि एक लेडी के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारा उन पर बर्डन होता है और उस चीजों के साथ उनको अपना खुद का ध्यान रखना भी सीखना है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हर्ब्स एज हीरोज को लेंगे और जैसी एक वुमेन ये सारे हीरोज को या जो जड़ी बूटियां है जिनको हम हर्ब्स कहते हैं उन चीजों को बॉडी में कंज्यूम करना शुरू करती है तो वो एक हीरो बन जाती है अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले ऑफकोर्स हमारा है ग्यानोडर्मा लूसीडम, उसी के साथ आगे हमारा स्पिरुलीना है, रोजेल है,
कॉफी के जो बीन्स है, कोका है, कॉर्डिसेप्स है, एलोवेरा है और हमारा नोनी है। तो ये सारे के सारे रिसर्चेस में साइंटिस्ट सब प्रूव कर चुके हैं टाइम एंड अगेन कि कैसे ये हमारी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल है और उसी के साथ साथ कैसे ये हमारी बॉडी को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट्स है तो उसी के साथ ध्यान रखना है कि ये ऑर्गेनिक है, ये वीगन प्रोडक्ट्स है, ये 100% नेचुरल है, ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, यानी आपके पॉकेट पर ज्यादा तनाव नहीं पड़ने देते, इनफैक्ट आपके पॉकेट भरने में भी हेल्प करते हैं, एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है और इसमें कोई केमिकल्स या कोई एडिटिव्स नहीं है। जितना हो सके डीएक्सएन कंपनी मेक श्योर कि जितना हो सके उतना ये हमारे नेचर से ज्यादा करीब हो और नेचर की बेस्ट क्वालिटी में से अडेप्टेड हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि मैंने कहा कि ये सुपर फूड्स हैं, जब बात करते हैं हम सुपर वुमेन की तो उन्हें इसीलिए सुपर वुमेन कहा जाता है क्योंकि ये मल्टीटास्कर होती है, ये खुद का काम करते करते, खुद के ड्रीम्स पूरे करते करते, अपने फैमिली के सारे ड्रीम्स पूरे करते हैं। अगर इनके लाइफ में कुछ करियर वाइज कुछ इनको ग्रोथ चाहिए तो वो उस चीज़ों पर भी फोकस करते हैं, और साथ ही साथ एक लेडी की सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है एज कम्पेयर टू मैन। ये जितनी भी लेडीज देख रही है ये चीज़ अग्री करेंगी क्योंकि सोशल लाइफ में उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके सिस्टर्स होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाती है, यानी रिलेट कर पाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसीलिए मैं एक कंपैरिजन करूंगी यहाँ पर विद गैनोडर्मा एंड विद अ लेडी। गैनोडर्मा के एंड में आता है माँ और उसी चीज से हम एक मदर से उस चीज को रिलेट करेंगे। तो ये बहुत एक खूबसूरत सा रिलेशन है बिटवीन गैनोडर्मा एंड हमारी माँ। माँ मतलब मदर, आई, माता। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि गैनोडर्मा का जो ग्रोथ होता है वो यूजली जंगल के एरियाज में होता है और वहां पर इसका जो ग्रोथ होता है ये कोई भी चीज पे ग्रो होता है, लेकिन ये किसी की बॉडी में जब एंट्री करता है तो उसकी बॉडी में एक नए सेल को जन्म देने में हेल्प करता है और हमारी माएँ क्या करती है, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को जन्म देने में मदद करती है। तो गैनोडर्मा एक मदर्स फूड है, यानी मम्मी के लिए होता है, आने वाली नई मम्मीज के लिए होता है, जो हमारी मम्मीज ऑलरेडी हमारे 10 ईयर ओल्ड 11 ईयर ओल्ड बच्चों की माँ है उन लोगों के लिए होता है। ये हर एक स्टेज पे, एक लड़की की स्टेज पे गैनोडर्मा बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो छोटा सा सिमिली है बिटवीन गैनोडर्मा एंड माँ। तो अगर आप एक माँ हो तो, और अगर आपके पास आपकी मम्मी है तो आप प्लीज उनको अपने घर पे जाके गैनोडर्मा गिफ्ट करिए क्योंकि वो एक्चुअली एक मदर्स बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर आई वेलकम यू ऑल कि कैसे आज हम देखेंगे कि अलग अलग हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं सिर्फ 3-4, कैसे वो एक मदर यानी माँ के लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करती है, एक वुमेन के लाइफ में बड़ा रोल प्ले करती है, एक गर्ल के लाइफ में बड़ा रोल प्ले करती है, एक ओल्ड लेडी के लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले आपकी हीलिंग पावर, यानी आपकी बॉडी आपके लिए जितना हेल्प करती है या बॉडी आपको जितना आगे एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद करती है, उस चीज पर आपको सबसे पहले विश्वास करना है यानी भरोसा करना है। तो सबसे पहले आप आपकी बॉडी पे भरोसा करिए, दूसरा हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स में और साथ ही साथ हाथ मिलाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज गैनोडर्मा लूसीडम। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक मदर एक मल्टी टास्कर होती है, सिर्फ अगर घर में 4 बच्चे हैं तो वो सिर्फ एक बच्चे पे ध्यान नहीं देगी, वो उन चारों बच्चों को इक्वली ट्रीट करेगी और साथ ही साथ उन चारों बच्चों की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी। वैसी हमारा गैनोडर्मा है, ये सिर्फ आपके कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं है, आपके लंग्स के लिए नहीं है, सिर्फ आपके स्टमक के लिए नहीं, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए है। गैनोडर्मा के एंड में जब माँ आता है तो वो उसी तरह बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्प करता है, एक नया जीवन, एक नया होप देने के लिए एक मदद करता है, एक नई आशा देने के लिए मदद करता है। तो गैनोडर्मा जब पाया जाता है जंगल की एरिया में तो वहां पर कहते हैं कि आप उनको जाके टच ना करिए, हो सकता है कि वो पॉइजनस होगा। बट डीएक्सएन कंपनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी और 27 ईयर्स से गैनोडर्मा हमारा प्राइम प्रोडक्ट है। साथ ही साथ डीएक्सएन कंपनी के जो गैनोडर्मा है वो 6 अलग गैनोडर्मा को कंबाइन करके बनाया गया है, एंड दैट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी गैनोडर्मा। इसको हम हमारे हर एक प्रोडक्ट में यूज करते हैं, भले फिर वो हमारा ऑयल हो, हमारे सोप में है, हमारे फेस वॉश में है, हमारे चाय में गैनोडर्मा है। तो इसकी यही खूबसूरत है दैट गैनोडर्मा इज वेरी वर्सेटाइल, यानी आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। पुराने जमानों में गैनोडर्मा को रीजनरेशन यानी लाइफ, इमोर्टैलिटी यानी अमर रहने की चीजों से जाना जाता था। अभी भी कुछ देशों में चाइना, जापान, कोरिया, वहां पर इस चीज को गिफ्ट किया जाता है एज गुड लक, लक्ष्मी मान के उस चीज को वहां पर गिफ्ट किया जाता है।
और इंडिया में, भारत में लक्ष्मी और वुमेन का जो कनेक्शन है ये हम जब जानते हैं। तो अगर आपको लाइफ में ज्ञानोदर्मा लाना है तो वो आपके लाइफ में गुड लक, आपके लाइफ में एनर्जी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बनकर ही एंट्री लेती है। साथ ही साथ रिसर्च चल रहा है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में कि कैसे ये आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी को स्कैन करता है, जो अच्छी चीज़ें है वो बॉडी में देखता है और जो गंदी चीज़ें होती है वो बॉडी से रिमूव करता है, साथ ही साथ बॉडी में जो नए सेल्स बन रहे हैं उस चीज़ को ग्रो करने के लिए मदद करता है। क्योंकि मैंने कहा था कि ये सुपर फूड है फॉर लेडीज, फॉर गर्ल्स। तो अगर आप ज्ञानोडर्मा के नाम पे फोकस करेंगे तो ज्ञानो का मतलब होता है चमकता हुआ यानी शाइनी, एंड डर्मा का मतलब होता है आपकी स्किन। तो अगर आप किसी वुमेन को देखना चाहते हो तो आप सबसे पहली चीज ये नोटिस करते हैं कि उनकी त्वचा कैसी है। तो अगर वो एक शाइनी त्वचा है, तो अगर आप लेडीज हो और आपको एक शाइनी त्वचा की जरूरत है, तो आई गेस ज्ञानोडर्मा जो सुपर फूड है वो हमारी सुपर वुमेन के लिए ही बना गया है। सो यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज स्पायरुलिना। स्पायरुलिना की सबसे खास बात यह है उसका जो स्ट्रक्चर होता है विच इज द स्पायरल स्ट्रक्चर। और ये जो स्पायरल स्ट्रक्चर होता है ये हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो एक्चुअली माता पिता से उनके जीन्स लेके बच्चों में पास ऑन होने में मदद करता है, जो हमारे आगे आने वाली कोशियों को बनने में हेल्प करता है। स्पायरुलिना और डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिमिलर है, इसीलिए स्पायरुलिना सिर्फ आपके बॉडी के लिए नहीं बल्कि आपके डीएनए तक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि लेडीज को अराउंड 60 ग्राम प्रोटीन दिन में कंज्यूम करना चाहिए नॉर्मल लेडी, बट वो हो सके तो कहीं मुश्किल से जाके 20 से 30 ग्राम प्रोटीन भी पूरे दिन में कंज्यूम नहीं कर पाती है, क्योंकि आजकल का हमारे खाने पीने की स्टाइल और लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई। तो वहां पर अगर आप वो नेचर्स मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड जो कि एक्चुअली 65% प्रोटीन से बनाया गया है, उस चीज को अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटीन आपके हेयर के लिए जरूरी है, आपकी स्किन के लिए जरूरी है, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, आपके नेल्स नाखून तक के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो अगर आप स्पिरुलिना कंज्यूम करते हैं तो इट विल मेक श्योर कि आपकी ये सारी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह कंप्लीट हो पाती है। अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ओट्स, सीरियल्स, अलग वे में आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साथ ही साथ ग्लोरी ऑफ स्पिरुलिना, स्पिरुलिना क्यों, स्पिरुलिना क्या चीज है। तो सबसे पहले अगर प्लैनेट पे कोई चीज लाइफ फॉर्म यानी जीवित कोई ऑर्गेनिज्म आ पाया था तो वो था हमारा स्पिरुलिना। बहुत अफ्रीकन देशों में जहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता वहां पर इसको उगाया जाता है, क्योंकि ये शेवाड़ है हमारी जो लेक्स है वहां पर ग्रो हो पाता है। और 5 सेंचुरीज पुरानी, 5 सदियों पुरानी इसकी हिस्ट्री है, लोग इसको कंज्यूम करते हैं, वहाँ की लड़कियों को दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनका डेवलपमेंट अच्छा हो। तो ये आज का हमारा 21st सेंचुरी का सुपर फूड है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने भी आइडेंटिफाई किया है। और इसके बहुत अन्य अन्य तरीके हैं जिस तरह आप स्पिरुलिना को कंज्यूम कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में लीजिए इसको, आप आपके कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं जिस तरह यहाँ पर मौजूद है, आप इसको जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर 40% बच्चे हैं जो कुपोषित का शिकार है, 44% बच्चे हैं जिनका वेट बहुत कम होता है, बहुत सारी लेडीज है जो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार है, 51% लेडीज इन इंडिया एक्चुअली सफर फ्रॉम अनीमिया यानी उनके बॉडी में खून की कमी है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को, जिसकी वजह से उनको चक्कर आती है, उनको तकलीफ होती है अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ जीने में। और खून अगर बॉडी में कम है तो जरूरी यही है कि हमारे बॉडी का पेट्रोल यानी हमारे बॉडी का तेल बराबर नहीं है, तो उस चीज को बराबर करने के लिए आप स्पिरुलिना कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर ये बच्ची में, एक यंग बच्ची में, एक जवान बच्ची में कम रहेगा तो आगे आने वाली उसकी उसकी जो फैमिली है वो चीज भी इससे रिले, उस चीज से इफेक्ट होगी। इसीलिए अगर आप यंग गर्ल को कुछ देना चाहते हैं सुपर फूड तो स्पायरुलिना इज द फर्स्ट थिंग। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज है जो अनीमिया का शिकार हो जाती है व्हेन दे गो थ्रू द, जब वो एक प्रेगनेंसी के अपनी डिलीवरी पीरियड या अपनी प्रेगनेंसी पीरियड के थ्रू जाती है, तो वहां पर भी आप एक गर्ल को, एक लेडी को स्पिरुलिना प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप उनको देंगे तो B12, फॉलिक एसिड, ऐसी अलग अलग चीजें हैं जो चीज उस लेडी को, जिस चीज की जरूरत है वो उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पिरुलिना फेशियल पैक, क्योंकि मैंने स्किन की बात कही थी, तो स्पिरुलिना के जो कैप्सूल्स होते हैं या हमारी जो टैबलेट्स होती है, इसमें ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे कुछ
ऐसे कुछ केमिकल्स है या ऐसे कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली, जो एक्चुअली आपकी स्किन को यंग करने में, हेल्दी करने में, ग्लो करने में बहुत मदद कर सकती है। सो आप 1 से 2 स्पिरुलिना के कैप्सूल्स को ओपन कर सकते हो, उसका पेस्ट बना सकते हो विद वाटर और विद हमारा एलोवेरा फेशियल जेल या टीटी क्रीम या एलोवेरा फेशियल लोशन। एंड इस चीज को अगर आप आपके फेस पे अप्लाई करिए 20-30 मिनट्स के लिए या 10-12 मिनट्स के लिए भी अगर आप इसको रखते हैं, तो आपके फेस पे जो ग्लो आएगा बिकॉज ऑफ सर्टेन विटामिन ई, विटामिन सी जो स्पिरुलिना के अंदर प्रेजेंट है, उस चीज से आपको काफी हेल्प होगा। और लेडीज को अगर कुछ चाहिए होता है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो आप केमिकल फेस पैक्स वगैरह होते हैं, आप आपका स्पिरुलिना फेशियल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इधर ही हम एक माइंडसेट चेंज करेंगे कि जैसे मैंने स्पिरुलिना के बारे में कहा, वो एक मेडिसिन नहीं है, वो एक दवाई नहीं है। वो दवाई की तरह फंक्शन जरूर करता है, बट सबसे पहला उसका रोल ये है कि वो आपके बॉडी के लिए खाना है, आपके बॉडी के लिए पावर है, आपके बॉडी के लिए एनर्जी है, जो एक्चुअली आपके गट को मदद कर सकते हैं, जो आपकी तितली को मदद कर सकते हैं, जो आपके दिल को मदद कर सकते हैं, जो आपके लंग्स को भी मदद कर सकता है। बहुत सारे लोग इसको वर्ल्ड हंगर को फाइट करने के लिए यूज कर रहे हैं और ऐसे अन्य तरीके हैं जिस तरह इसको यूज किया जाता है। आज ही हमने ग्रुप में देखा कि किसी ने स्पिरुलिना की खिचड़ी बनाई थी। मतलब आप इसको आपके खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आपकी राइस बना रहे हो उसमें आप दे सकते हैं, आप एक बच्चे को इसको हनी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप स्पिरुलिना को दे सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए, उनके आयरन लेवल्स जो उनकी अनिमिया का जो शिकार हो सकते हैं उस चीज से उनको बचाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। RGGL जो हमारा गैनोडर्मा लूसीडियम है और स्पिरुलिना को आप एक साथ अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपके बॉडी में एक हैंडफुल ऑफ वेलनेस है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में मदद करेगा और साथ ही साथ ये आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, ये 2 सुपर फूड्स है जो लेडीज को नहीं मिस करना चाहिए, ये आगे जाके आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बात आती है जब वेट लॉस की, बात आती है जब कि हम स्पिरुलिना या RGGL पूरी तरह कंज्यूम नहीं कर पाते, कि हमारा पॉकेट अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वहां पर देखा जाए तो चाय एक ऐसी चीज है जो हर घर में होती है। तो वही चाय को अगर आप हमारी ऋषि गैनो टी है जिसमें भी गैनोडर्मा है, जिसमें आसाम की अच्छी वाली पत्तियां है, वो चीज से अगर आप इसको चेंज करते हैं तो शायद ही आपकी लाइफ में हेल्थ लाने में मदद करेगा और आपको वेट लॉस के लिए, जो लेडीज का बहुत बड़ा इशू होता है, उस चीज में भी आपको हेल्प कर सकता है। तो चाय बनाते वक्त बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, हो सकता है तो आप गुड़ यानी जागरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आती है बात कॉफी पे। चाय और कॉफी ये 2 चीजें होती है जो ज्यादातर लेडीज पसंद करती है, और यहाँ पर ब्लैक कॉफी जो हमारी DXN 2-in-1 लिंजी कॉफी है उसको आप यूज करते हैं तो वो आपके वेट लॉस के लिए मदद करेगा। अगर जो लेडीज है जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उस चीज में भी हमारी कॉफी बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन कमिंग टू टी, यहाँ पर लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, मसाला टी, ग्रीन टी, मसाला डिप टी। तो हमारी जो स्पाइका टी है वो एक्चुअली लेडीज के लिए वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जिनको बेली फैट है यानी पेट पे जो चर्बी है वो चीज कम करना है, या आपको आपको सुबह सुबह वो एनर्जी चाहिए, वो एक्टिविटी चाहिए, या बेसिकली जो कोरोना पीरियड में जिनको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी थी, तो वहां पर स्पाइका टी हमारी हल्दी, गार्लिक यानी लहसुन, इलायची, कार्डमम, ऐसी बहुत सारी लौंग, ऐसी बहुत सारी स्पाइसेस जो मसाले होते हैं जिनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है, जिनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, उस चीज को भी आपको हाई करने में ये मदद करेगा। स्पाइका टी, मसाला टी, ग्रीन टी, इन सब में गैनोडर्मा है। तो इस चीज को अगर आप आपके मॉर्निंग टी से चेंज करते हैं तो ये भी एक टाइप ऑफ सुपर फूड है हमारी सुपर वुमेन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। साथ ही साथ आता है DXN लेमन जी, क्योंकि मैंने कहा कि विटामिन सी और आयरन ये दोनों चीजें एक साथ बेस्ट फ्रेंड्स होता है, यानी विटामिन सी अगर रहेगा तो बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होता है। तो आप जो हमारा स्पिरुलिना पाउडर है जो अभी अभी नया नया है, उसको अगर आप लेमन जी के साथ मिक्स करके लेते तो वो एक प्रॉपर सोर्स ऑफ आपका अनिमिया, यानी आपका अनिमिया घटाने में, आपकी आयरन लेवल्स को इंक्रीज करने में, आपकी बॉडी में ब्लड का जो काउंट है उस चीज को हेल्प करने में आपको डेफिनेटली मदद करेगा। साथ ही साथ क्योंकि अब समर का सीजन आ रहा है तो लेमन जी एक अच्छा चिलिंग और एक कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी में, जो आपको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर एक छोटा सा ये है कि कैसे आप स्पिरुलिना पाउडर और लेमन जी को मिक्स करके आपकी स्मूदी बना सकते हैं, जो आपको वेट लॉस, आपकी स्किन को ग्लो करने में, आपको अनीमिया से बचाने में आपको हेल्प कर सकता है।
नेक्स्ट स्लाइड. ऑफकोर्स अगर स्नैक्स की बात आती है, एक यंग गर्ल के लिए आती है, ग्रोथ डेवलपमेंट, हाइट बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है, तो वहां पर हमारा डीएक्सएन कोकोजी एज स्नैक टाइम, एज ब्रेड बटर के साथ, रोटी के साथ कोकोजी अगर आप उनको देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की डेवलपमेंट, साथ ही साथ उनके ब्रेन पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर, उनकी हार्ट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है. नेक्स्ट स्लाइड. सो बहुत सारी गर्ल्स का ये इशू होता है जो भी यहाँ पर देख रही है कि उनको मॉर्निंग में खाया नहीं जाता या उनको ब्रेकफास्ट के लिए मन नहीं करता कि सुबह सुबह मुझे उठ के कुछ खाना नहीं है हैवी. तो वहां पर वी हैव एन ऑप्शन विच इज आर कुकीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वी हैव आर कुकीज विच इज आर डीएक्सएन मधुराम कुकीज. तो आप ये पैकेट अपने साथ हमेशा रख सकते हैं. इसमें स्पिरुलिना है, एक में आरजीजीएल है, एक में कोकोजी है और साथ ही साथ मिलेट्स यानी जो हमारी ज्वार बाजरा वो चीज है. तो ये एक अच्छा हेल्दी स्नैक बनता है इंस्टेड ऑफ ईटिंग दोज आउटसाइड जो कि हमारे प्रोसेस्ड फूड से बनी हुई कुकीज होती है. उस चीजों से अच्छा होता है कि आप ये वाली कुकीज कंज्यूम करें. तो ये एक सुपर कुकीज है क्योंकि एक सुपर फूड है इसके अंदर और साथ ही साथ ये आपके स्टमक के लिए भी अच्छी होगी और आपके टेस्ट के लिए भी अच्छा होगा. तो अगर आप एक कुकी का पैकेट विद अ कप ऑफ टी, डीएक्सएन टी या डीएक्सएन टू इन वन कॉफी कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए आपको काफी हेल्प करेगा. नेक्स्ट स्लाइड. ऑयल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे तेल क्या यूज करना है घर में. तो ये जो हमारा डीएक्सएन एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये सिर्फ आपकी कंजम्पशन के लिए नहीं है या आपकी एप्लीकेशन के लिए भी है क्योंकि एयर में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है. जो AQI लेवल होता है अगर आप आपकी सिटी का चेक करेंगे तो वो बहुत सारी सिटीज में काफी ज्यादा हाई होता है. 35 सिटीज में से इंडिया में ही ऐसी 32 सिटीज है, ऐसे 32 शहर है जो सबसे ज्यादा जिनकी एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है. तो वहां पर हमारा जो ये डीएक्सएन वर्जिन कोकोनट ऑयल है इसको आप आपके नाक के एरियाज में भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन यानी डस्ट वगैरह आपके बॉडी में नहीं जाए. साथ ही साथ स्किन के अगर इश्यूज है तो वहां पर भी कोकोनट ऑयल अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे दिखे गए. ये जो ऑयल है इसको आप सिर्फ कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ खा नहीं सकते, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक लेडी के लिए सर्कुलेशन यानी जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून जो हमारा पास होता है, वो विद टाइम क्योंकि हम एक्टिविटी नहीं कर पाते यानी हम मूवमेंट नहीं कर पाते तो उस चीज की वजह से काफी इश्यूज आते हैं. तो वहां पर अगर आप आपकी बॉडी को सिर्फ 10 मिनट यानी सिर्फ एटलीस्ट सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल से नहाने से पहले अगर बॉडी में मसाज देते हैं आपके लेग्स, आपके हैंड्स को, आपके सर पर, आपके स्किन पे, आपके फेस पे, तो वहां पर वो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेगा और इसी से आपके 50% जो बीमारी के चांसेस है वो कट सकते हैं. तो आप दिस ऑयल, दिस वर्जिन कोकोनट ऑयल अलोंग विद गैनोडर्मा लुसीडम, ये सिर्फ आपके ऑयल क्वेश्चंस का आंसर नहीं है या आपके स्किन प्रॉब्लम्स या आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का पूरा पूरा सोल्यूशन है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फिर आता है ऑफकोर्स गैनोडर्मा सोप. तो मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम भी ये मीटिंग्स में कहा था कि आप मेकअप अप्लाई करने से पहले जो लेडीज बहुत सारी क्रीम्स वगैरह अप्लाई करती है वो एक्चुअली स्किन को बहुत हार्म करता है. तो अगर आप गैनोजी सोप का सिर्फ एक छोटा सा लादर बनाते हैं और अपने फेस पे ऐसे ही अप्लाई करते हैं बिफोर अप्लाइंग एनी लिपस्टिक और मेकअप तो शायद वो आपकी स्किन को हार्म करने से मदद कर सकता है. साथ ही साथ आप उसको अप्लाई करके रख सकते हैं, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है. इट वॉन्ट एक्चुअली बर्न योर हार्म योर स्किन, वो एक्चुअली स्किन के लिए काफी ज्यादा हेल्दी है एंड वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा साथ ही साथ एक अलग शाइन देगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन कम्स आर वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट क्रीम विच इज डीएक्सएन टीजी क्रीम. क्योंकि अब कोरोना के केसेस वापस राइज हो रहे हैं और आप लेडी है और आपको बाहर जाना ही, आपको मार्केट में जाना ही, आपको वो चीजें आपकी फैमिली के लिए लेके आना है, तो आपका जो मास्क का इनसाइड होता है वहां पर आप टी थ्री क्रीम लगा सकते हैं. हाथों में सैनिटाइजर लगाइए लेकिन उसके बाद भी आप अगर टी थ्री क्रीम लगाते हैं तो सिर्फ वायरसेस नहीं बट ऐसी कुछ काटने या जो अगर मच्छर होता है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को आके हार्म कर सकती है वो चीज से तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको कोई और वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं हार्म कर पाएगा. प्लस बहुत सारी लेडीज को जिनको स्ट्रेस का इश्यू होता है आप बस थोड़ा सा इसको पॉकेट में रख के बार बार स्मेल करिए तो आपकी बॉडी में अच्छे एंजाइम्स, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज करने में भी मदद करेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. साथ ही साथ सेल्फ केयर बहुत जरूरी होता है. तो वहां पर अगर आप एलोवेरा की जो सीरीज है वो यूटिलाइज करते हैं तो इसके साथ आपको सेल्फ केयर जो कि मैंने कहा जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए उस चीज में
आप एलोवेरा फेशियल जेल, आप एलोवेरा बॉडी लोशन जो अगेन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करेगा, जो स्किन को हेल्दी रहने में मदद करेगा। एलोवेरा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो चीजें अगर आप करते हैं तो आपको हेल्थ और आपकी वेलनेस और अगर आपकी जो स्किन है वो चीज को भी ब्राइटन करने में, शाइन करने में काफी हेल्प होगा। नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन डायरेक्टली गो टू द लास्ट स्लाइड। एंड साथ में आपको बहुत सारा पानी पीना है, विच इज ड्रिंकिंग वाटर। सो वाटर एक ऐसा सुपर फूड है जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं, तो यहाँ पर एक रिमाइंडर है छोटा सा कि आप हो सके तो 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर अपने हमेशा अपने पास अपनी बॉटल रखें और 2.5 से 3 liter पानी डेली डेली कंज्यूम करें। जब आप ये कंज्यूम करते हैं तो आपके हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स अगेन सॉल्व हो जाते हैं। ये चीजें जो हम हमेशा भूल जाते हैं, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। जब भी आप डिएक्सन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, स्पिरुलिना, आरजीजीएल, आप कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, आप टी कंज्यूम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको वाटर इनटेक भी मदद ज्यादा करना है, क्योंकि ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में आपको मदद करेगा। यू कैन डायरेक्टली गो टू द लास्ट स्लाइड, बिकॉज आई फील दैट ये जितने भी सुपर फूड्स है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लाइफ में एंड दे कैन एक्चुअली हेल्प अस। डीएक्सन सिस्टम जो है, डीएक्सन यूनिवर्सिटी जो है, डीएक्सन फैमिली जो है, ये एक्चुअली वुमेन बेस्ड इसीलिए है क्योंकि वी वुमेन आर अमेजिंग एट नेटवर्क मार्केटिंग। वी आर कम्पेटिटिव, हम ज्यादा क्यूरियस होते हैं, हम ऑब्जर्वेंट होते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, हम किसको क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो अगर हम ये चीज करते हैं तो लाइफ में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स तो होंगे, साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट्स, वेल्थ बेनिफिट्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो ब्लेसिंग्स, जो दुआएं हमको मिलती है वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सो विद दैट वी कैन डायरेक्टली गो टू द लास्ट स्लाइड। एंड डीएक्सन में व्हेन यू आर कमिंग एज अ डीएक्सन मेंबर, यू आर कमिंग एज अ डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर, आप एक एम्बेसडर हो। सो जितना हो सके उतना लोगों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को, सबको डीएक्सन के बारे में बताएं, कनेक्ट विद एवरीवन, डू व्हाट यू कैन डू द बेस्ट। डीएक्सन प्रोडक्ट्स खुद कंज्यूम करें, अपने फैमिली को दीजिए एंड साथ ही साथ डू व्हाट यू कैन डू द बेस्ट एंड डीएक्सन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच, दिस इज वेयर आई वाइंड अप। थैंक यू। हेल्थ एम्बेसडर्स चाहिए। ये जो आपने आज का टॉपिक में कवर किया है, सुपर फूड फॉर सुपर वुमेन, एवरीथिंग वाज सुपर, बिकॉज ये सुपर फूड को लेने के लिए हमको सुपर पीपल चाहिए, नॉट ओनली सुपर वुमेन, सुपर मेन, सुपर चिल्ड्रन, सुपर पीपल, बिकॉज सभी नहीं लेंगे हमको मालूम है, क्यों सबको हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं है, नॉट दैट दे डोंट वांट, वो केयरलेस है, उसको ख्याल आएंगे जब भी बीमारी पड़ता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, अभी भी आज शाम को मुझे एक फोन आया, वो 20 वर्ष के पहले मैंने जो डिएक्शन को शुरू किया 2000 में, 21 वर्ष के पहले, 22 वर्ष के पहले बिगिनिंग में ही ये लोगों को मैंने बताया, ये प्रिवेंशन के लिए, ये कैंसर के लिए नहीं, कैंसर को रोक सकता है डिएक्शन, गेनाडरमा, स्पिरुलिना, मोरिंजी, सभी दे आर एंटी कैंसर, एंटी कैंसर, बिकॉज दे ऑल इंक्रीज द अल्कलाइन इन द बॉडी, in alkaline body cancer doesn't survive, it is scientifically proven.
कैंसर सेल्स कैनॉट बी बॉर्न इन अल्कलाइन, ओनली एसिडिक बॉडी इट मल्टीप्लाई. एंड सिंपल थियरी, इसको बहुत बड़ा ये डॉक्टर MBBS FRCS MD MS का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है. ये जड़ी बूटिया इसको प्रूव किया है. इसमें अल्कलाइन 100% अल्कलाइन, गैंडरमा 100% अल्कलाइन, स्पिरुलिना 100% अल्कलाइन, मोरी ऑल दीस आर अल्कलाइन. अल्कलाइन विल इंक्रीज यूर इम्यूनिटी लेवल ऑल्सो, नॉट ओनली इट इज एंटीडोट फॉर एनी डिसीज, इट इज नॉट ओनली जस्ट कैंसर, एनी टाइप ऑफ डिसीज, बिकॉज दिस विल एनहांस द लॉन्जिविटी, youthfulness, and you can be youthful even your late ages. We are the example. Last 22 years we are loading. Why we are loading? We want to be living and die young. Die young माने 100 बरस के बाद में आप मर जाए तो इसी तरह रहकर, that is dying young. And without any disease. इसके लिए हमारी कितना बताइए तो भी ये लोगों ने फू फू करते थे. आज उसका फोन आ गया, उसका वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर है, वो ऑलरेडी दे है, वो गॉन फॉर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन इज टेलिंग, नाउ दे हैव टू डू सेकंड ऑपरेशन दे आर टेलिंग, एंड देन कीमोथेरेपी आई हैव टू गो, व्हाट आई मस्ट डू. सी नाउ इट इज टू लेट टू गिव एनी, बिकॉज दिस इज ए सप्लीमेंट, दिस इज नॉट ए ड्रग टू एक्ट ओवरनाइट. ये तो गलत बात है. हम बताइए तो कैंसर थर्ड फोर्थ स्टेज में सभी क्योर करेंगे, आप खाओ डायबिटीज क्योर करेंगे, ब्लड प्रेशर क्योर करेंगे, ये सभी सिस्टम फेल्यूर होने के बाद लाइफस्टाइल डिसीजेस. लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या है? एक तरह से हमको बैक्टीरिया वायरस फंगस इससे अटैक होता है. दूसरा तरह से लाइफस्टाइल डिसीजेस नॉट बैक्टीरिया वायरस फंगस से, ये हमारा खाने पीने से आने वाला जो रोग है उसको लाइफस्टाइल डिसीजेस बताता है. ये लाइफस्टाइल डिसीजेस आ गया है ये मॉडर्न डेज में, पुराना जमाने में नहीं, लाइफस्टाइल नहीं डिसीज नहीं था, बिकॉज इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं था. देर वॉज नो बर्गर, नो कोको कोला, नो पिज्जा, नो ब्ला ब्ला, ऑल सैचुरेटेड डाइट, ये सभी. मैं जो बच्चे था उस समय में हम कभी भी नहीं देखा इस तरह का प्रोडक्ट, कभी भी हमको नहीं मिलता था. 50 years, 60 years बैक, while I was below 10 years, we never used to have all this. Even chocolate good से मिलता था उस समय कैडबरी गिडबरी वो पेरिस वो कुछ भी नहीं था. ये सभी FMCG स्वीट्स आना शुरू हो गया, ये इससे सभी सैचुरेट बाद में. उस समय हमके गुड से गांव में बनाकर उसका चॉकलेट मिलता था, और ये इससे बहुत नेचुरल थिंग लाइक दिस एक और एक चीज था उससे ऑल लोकल मेड. दिस लाइक ए लॉलीपॉप, इट इज नॉट लाइक मॉडर्न लॉलीपॉप. वी यूज्ड टू आफ्टर द स्कूल वी यूज्ड टू रश टू बाय दोस यू नो लोकल चॉकलेट. अभी नाउ देयर इज नथिंग ऑर्गेनिक, नथिंग नेचुरल, एवरीथिंग, एंड इट हैज गॉन ए स्टेप फॉरवर्ड. चिल्ड्रन are attracted to, they are addicted, not attracted. Children are made to addict from the day one. The child starts eating, we are feeding with the roadside, bahar ka, shop ka, all these saturated sweets, saturated diet, fried diets, kurkure, purpure, murmure, biscuit, ye sabhi chocolate, sabhi iska chips. ये बच्चों ने इतना वो डिमांड करता है, वो डिमांड करता है, मैंने उसका टेस्ट बड उसको एडजस्ट हो गया, वो स्पिरुलिना नहीं खाएंगे. स्पिरुलिना मींस बहुत मुश्किल से अब उसका ये लोग इसका इस तरह का हैबिट है. वो घर में अभी भी ये इस तरह का, बहुत घर में मैं देखता हूँ बच्चों ने शाम हो गए तो पिज्जा को डिमांड करता है, मुझे क्या आज पिज्जा ऑर्डर करेंगे पापा मम्मा से, पिज्जा ऑर्डर करे तो मैं ये करूंगा. उसका इतना एक डेंजरस फूड हैबिट बन गया है, इसीलिए लाइफस्टाइल डिसीजेस आर इंक्रीजिंग. चिल्ड्रन आर गेटिंग जुवेनाइल डायबिटीज, इट हैज बिकम कॉमन.
एंड डायबिटीज अडल्ट अडल्ट डायबिटीज 20s 30s में डायबिटीज ब्लड प्रेशर ऑल दीज हार्ट प्रॉब्लम्स एंड किडनी प्रॉब्लम्स विच यूज टू कम आफ्टर 70s and 80s आफ्टर 60s लेट एजेस नाउ वी आर सीइंग दिस आर ऑल बिकॉज ऑफ रॉन्ग डाइट रॉन्ग फूड इसीलिए ये सभी सुपर फूड ये सभी सुपर फूड है वाई सुपर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ये सुपर के ऊपर कुछ भी नहीं है ये तो अल्टीमेट है इसीलिए व्हाट वी आर टेलिंग दिस इज द किंग ऑफ हर्ब्स एंड किंग ऑफ न्यूट्रिशन क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन हमारा माइक्रोअल्गे स्पिरुलिना हेंस नेचुरली जितना उसको इस्तेमाल करे तो अभी इस तरह का रोगों से हम दूर रह सकता है प्रिवेंट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन 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 बातें करना है रोगों को रोकने के बारे में बहुत लोगों ने गलती बातें करता है गलती प्रेजेंटेशन करता है गलती इंफॉर्मेशन देता है इसीलिए लोगों ने भाग जाता है ये डायबिटीज क्योर करेंगे ब्लड प्रेशर क्योर करेंगे नथिंग वी अभी आ गए तो आप मेंटेन करना वॉट एवर डॉक्टर्स आर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दे से यू कंसल्ट देम बट अलॉन्ग विद दैट टेक द लोड द न्यूट्रिशन बिकॉज न्यूट्रिशन कैन कम कैन प्रिवेंट द साइड इफेक्ट ऑफ मेनी ऑफ दिस डिसीजेस बिकॉज आफ्टर 10 years 20 years 30 years ये डिसीज से बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन होकर डायबिटीज होंगे ब्लड प्रेशर पीपल डाई एंड सी दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिसीज के साथ न्यूट्रिशन को लोड करना डिसीज का इम्पैक्ट कम होंगे बहुत लोगों को डिसीज से बाहर भी आता है हम देखा है वो 10-20 बरस में लेने के बाद हेंस ये सभी चीज न्यूट्रिशन इज फॉर रोगों को रोकने के लिए अभी प्रचार पब्लिसिटी चलना समाज में हम रोगों को रोक सकता है रोगों को रोकने का एक ही आयुध है अस्त्र है वो न्यूट्रिशन हम न्यूट्रिशन को नहीं लिए तो रोगों को रोक नहीं सकेंगे न्यूट्रिशन इज फॉर हेल्थ आल्सो हेल्थ हमका अच्छा हेल्थ होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए न्यूट्रिशन इज फॉर प्रिवेंशन न्यूट्रिशन इज फॉर वेलनेस 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 हम चिल्लाते हैं वेलनेस क्या है ये तो न्यूट्रिशन से वेलनेस आता है न्यूट्रिशन नहीं हो तो वेलनेस नहीं होंगे इलनेस होंगे ऑल डीएक्स एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर हेल्थ वेलनेस प्रिवेंशन इसके ऊपर आप सभी लोग यंगस्टर्स आज का यंगस्टर्स के हाथ में है इंडिया का वेलनेस इंडिया का न्यूट्रिशन प्रिवेंशन क्योंकि आप लोगों ने कितना लेंगे कितना प्रमोट करेंगे नौजवानों को वो गलत गलत रास्ते से गलत फूड हैबिट से डेंजरस फूड हैबिट से एंड सैचुरेटेड डाइट से हम बाहर ला सकता है हम लोगों ने बताए तो लोगों ने समटाइम्स ये जनरेशन गैप वो गैप ये गैप बताता है ये बुढ़ा लोगों ने बताएंगे उसको वो लाइफ हो गया हम यंगस्टर्स एंजॉय इस तरह सोचते हैं वो इसमें जो निज है उसको समझ नहीं सकेंगे बट आप लोगों ने बताए तो यंगर जनरेशन आपका एज ग्रुप को 20s को 30s को और चिल्ड्रन को मेनली यंग चिल्ड्रन आर गेटिंग स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डाइट एंड देयर हेल्थ इज गेटिंग डिटीरियरेटेड एट द वेरी यंग एज ओपन हार्ट सर्जरी को जाते हैं एट 20s इमेजिन इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट इज वाई इसको कोई दवा कोई ड्रग नहीं है एक ही है न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन को बढ़ाना न्यूट्रिशन को प्रमोट करना न्यूट्रिशन का रेवोल्यूशन ये लाना ना हम भारत में जब तक वो न्यूट्रिशन रेवोल्यूशन नहीं होंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेंगे न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग लेट अस वर्क टुगेदर इन डीएक्सएन टू प्रमोट द न्यूट्रिशन एंड टू बिल्ड ए यंग एंड एनर्जेटिक healthy disease free india wish you all the best go